डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास टू का इंग्लिश बुक है, चैप्टर 13, और इसमें दिया हुआ है वाज एंड वेयर का यूज। यहाँ पे इस चैप्टर में बतलाया हुआ है वाज मतलब था होता है और वेयर मतलब थे होता है। ये सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल नंबर है। चलिए यहाँ पे ये सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाज और वेयर कहाँ उपयोग होता है। आई वॉज रीडिंग। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैं पढ़ रहा था, इसका मतलब हो गया आई वॉज रीडिंग माई इंग्लिश बुक, मैं अपना इंग्लिश बुक पढ़ रहा था। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर एक बच्चा है या एक चीज़ रहेगा इस तरह से, तो आप वहाँ पे वॉज का यूज करेंगे था में। वहाँ पे सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में होना चाहिए। वी वेयर लाफिंग, हम लोग हंस रहे थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर है, ज़्यादा बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। और वी वेयर नॉट लाफिंग लाउड, हम लोग ज़ोर से नहीं हंस रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस में भी वेयर का यूज़ होता है। यू के साथ यू सिंगुलर रहे तब भी वेयर लगेगा, और प्लूरल रहे, यू जो होता है यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आ जाता है। वी वेयर देयर, तुम लोग वहाँ थे। यू, राम एंड आई, यहाँ पे तीन व्यक्ति हो जा रहे हैं, तुम, राम और मैं। वेयर वर्किंग, तो यहाँ पे तीन व्यक्ति हो जा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे प्लूरल हो रहा है। और ही के साथ वाज का यूज़ होता है। ही वाज इन द बस, वह बस में था। ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। He was reading in class टू, वह क्लास टू में पढ़ रहा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं इस पेज में। देखिए यहाँ पे इसमें जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक लड़का था, यहाँ एक लड़की है, फिर भी वहाँ और सिंगुलर नंबर में है तो आपको वाज यूज होगा। सी वाज अ गर्ल, वह एक लड़की है, थी, वह एक लड़की थी। हर नेम वाज पूजा, उसका नाम पूजा था। हर फादर वाज अ टीचर, उसके पिता एक टीचर थे। देखिए यहाँ पे किसी बड़े व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भी वेयर का यूज़ होता है। उस तरह का बहुत कम आपको मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे इस तरह से मिलेगा। यहाँ वाज का यूज़ हुआ है। कोई सम्माननीय व्यक्ति जैसे गांधी जी हो गए या सुभाष चंद्र बोस हो गए, इस तरह के व्यक्ति को थे यूज करने के लिए, सम्मानजनक सब वाइक प्रयोग करने के लिए वेयर का यूज़ होता है। इट वॉज ए बर्ड, यह एक पक्षी था। द बर्ड वॉज फ्लाइंग, पक्षियाँ मतलब यहाँ पे द बर्ड वॉज फ्लाइंग, पक्षी उड़ रही थी, यहाँ सिंगुलर में है, ठीक है, उड़ रही थी। दे वेर स्टूडेंट्स, वे सभी छात्र थे। दे वेर इन द स्कूल, वे सभी स्कूल में थे। दे वेर गुड स्टूडेंट्स, वे सभी अच्छे स्टूडेंट्स थे। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और एक्सरसाइज शुरू होता है। यहाँ पे वाज एंड वेयर ये दो वर्ड है जिसे फील करना है, तो यहाँ पे भरने के लिए दो ही चीज़ का ख्याल रखना है, सिंगुलर और प्लूरल का। यू के साथ हमेशा वेयर का यूज होता है। राम सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ पर वाज होगा। राम वाज माई बेस्ट फ्रेंड। सीता वाज ए गर्ल, सीता सिंगल लड़की है, ए लगा हुआ है, उसमें भी सिंगलर पता चल जाएगा। दे के साथ वेयर का यूज़ होता है। दे वे सब, इसका मतलब होता है वे सब, तो ये प्लूरल वर्ड हो गया, यहाँ पे वेयर का यूज़ होगा। आगे पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर से आई में सिंगल पर्सन होता है, मैं, तो इसमें वाज लगेगा। आई वाज रीडिंग अ बुक। वी में हम लोग, मतलब ये प्लूरल है तो वेयर का यूज़ होगा। We were there, और you के साथ हमेशा were, इसमें past tense में were का यूज होता है, और जैसे is are में are का यूज होगा, तो यहाँ पर आपको past में दिया गया है were का यूज़ करना है, was were का, तो यहाँ पर were का ही यूज होगा। Singing a song, you इसमें भी वही होगा, were coming। और यहाँ पर question number टू, use write was or were with the following pronouns as suitable। ये जो प्रोनाउंस दिए हुए हैं इसमें कहाँ पे वाज और वेयर का यूज होगा, तो यहाँ पे आई के साथ वाज लगेगा, वी के साथ वेयर लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा,
ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, इट के साथ वाज और दे के साथ वेयर, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स वाज एंड वेयर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ही ए बॉय यहाँ सिंगुलर है, इसका मतलब वाज लगेगा, वाज ही ए बॉय, और यहाँ पे मोहन ए गुड, तो यहाँ पे यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ भी वाज लगेगा, और दे विपिन, तो दे प्लुरल होता है, यहाँ पे वेयर लगेगा, और यू के साथ भी वेयर लगता है, तो यहाँ पे वेयर लगेगा, और ही के साथ ही मतलब सिंगल, तो यहाँ पे हो गया वाज, मतलब यहाँ सी और डी ये दो जगह वेयर का यूज होगा, बाकी जगह जो है ए बी ई, ए बी ई यहाँ पे वाज का यूज होगा। मैक टू सेंटेंसेस फ्रॉम इज एंड टू सेंटेंसेस फ्रॉम वेयर, दो सेंटेंस आपको इज का बनाना है और दो सेंटेंस आपको वेयर का बनाना है। तो वेयर का सेंटेंस तो आपको पूरा इस चैप्टर में बना हुआ है, आप कोई भी सेंटेंस को यहाँ लिख सकते हैं, और इज के लिए भी मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।